खाला, मैं आ जाऊं? आ जाओ बेटा। आपने बुलाया? बिल्कुल, मेरा कॉफी पीने का दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा अपनी शहजादी को बुला लूं, साथ मिलके कॉफी पीते। क्यों नहीं खाला, मेरा भी मूड हो रहा था कॉफी का। फिरदौस कॉफी ला रही है। अच्छा खाला, फहम नहीं आया। मैसेज तो किया उसने, डिनर बाहर करके आएगा वो। सबा, फहम पूछ रहा था कि सबा का क्या ख्याल है। किस बारे में खाला? उजैर के प्रपोजल के बारे में। उजैर तो मुझे इतना पसंद है कि अगर मेरी कोई दूसरी बेटी होती ना तो मैं उसकी शादी उजैर से करवा देती। खाला, मुझे ये शादी करनी ही नहीं है। क्या मतलब? असल में खाला, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है मुझे बताओ, मैं तो कल ही प्रपोजल लेकर चली जाऊंगी। खाला, वो मैं पाहम को पसंद करती हूँ। पाहम? जी बेटा, तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया है। खाला, ये काम मुश्किल तो हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। और वैसे भी आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है? अब फहाम के दिल में क्या है ये तो मैं नहीं जानती हूँ। आप माँ हैं उसकी। सौतेली। खाला, मैंने तो कभी फहाम को फर्क करते नहीं देखा, और वैसे भी वो आपके इतना दावेदार है, आपकी एक हाँ पे वो शादी के लिए मान जाएगा। तुम समझ नहीं रही हो सबा, वो तो बार बार उजैर के प्रपोजल की बात कर रहा है। उसके दिल में। खाला, उसके दिल में जो चल रहा है आप पता तो लगवाएं। अच्छा सुनो, ये फहाम की पसंदीदगी और शादी की बात का जिक्र तुमने किसी से नहीं करना। और उजैर की अम्मी को मैं अपने तरीके से इनकार कर दूंगी। जी ठीक है खाला, आई ट्रस्ट यू। अब मैं चलती हूँ। बेगम साहबा, कॉफी ले जाओ, मेरा मूड नहीं हो रहा।